हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। दोस्तों, जब भी कोई इंसान नोएडा एक्सटेंशन में अपना मकान देखने आता है तो उसे चारों ओर फ्लैट्स ही फ्लैट्स नजर आते हैं, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन एक कंक्रीट जंगल है, इसलिए इसे एशिया के सबसे टॉप डेंसिटियों में से एक माना जा रहा है। मगर इस लोकेशन पर उम्मीद की जो गुंजाइश बसती है वो है सेक्टर 2 और 3 में स्थित ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स, जहाँ आप अपने सपनों को घर को सजा सकते हैं। सेक्टर 2 के अथॉरिटी प्लॉट्स तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको सेक्टर 3 में स्थित ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स के बारे में बताऊंगा, जिसे आप चाहे तो सेल्फ यूज या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या ये सेक्टर वैल्यू फॉर मनी है या फिर इन्वेस्टर द्वारा फैलाया गया एक जाल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 3 के इन सभी प्लॉट्स को अथॉरिटी द्वारा 2009 में 10,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आवंटित किया गया था, मगर पिछले 10 सालों में इन प्लॉट्स में हमें कुछ खास डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती, न ही अथॉरिटी के द्वारा और न ही उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने यहाँ अपना पैसा लगाया था। ये तो हमने अक्सर देखा है कि प्लॉट्स निकलने के बाद अगर उसे अगले 3 साल के अंदर कंप्लीशन बनाने की शर्त अगर अथॉरिटी ने नहीं रखी होती तो यहाँ बहुत से सेक्टर ऐसी ही पिछड़ी हुई हालत में रहते। इसलिए अथॉरिटी का ये प्रयास तो सराहनीय है, जिससे किसी भी लोकेशन को डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि अधिकतर लोग प्लॉट्स को केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ही लेकर रखते हैं। अब अगर बात करें सेक्टर में बसावट की तो आज की तारीख में सेक्टर एकदम बंजर पड़ा है, मगर हर कोई यहाँ 3 मंजिला मकान बना रहा है। हो सकता है वो अपने रहने के साथ साथ अपने किराए का भी इंतजाम कर रहा है, इसलिए आगे आने वाले 10 वर्षों में ये सेक्टर लक्ष्मी नगर के 4 मंजिला मकानों की तरह कंजेस्टेड होगा। अगर आप सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के प्लॉट्स में कंपैरिजन करेंगे तो सेक्टर 3 को आप ज़्यादा बेहतर पाएंगे, क्योंकि यह सेक्टर सेक्टर 2 की तुलना में साफ सुथरा है और इस सेक्टर में कोई गांव भी नहीं पड़ता, मगर सेक्टर 2 के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गांव पड़ता है, इसलिए सेक्टर 3 आपको ज़्यादा पॉश लुक देता है। इस सेक्टर में 4 ब्लॉक हैं, जिसके ए ब्लॉक में आपको अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट हाउस देखने को मिलते हैं और जिसका वीडियो मैं आपके लिए पहले ही बना चुका हूँ, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके इसका वीडियो डिटेल में भी देख सकते हैं। और बी ब्लॉक में आपको 120 मीटर के प्लॉट्स मिलते हैं और साथ ही साथ सी और डी ब्लॉक में आपको 200 मीटर के प्लॉट्स मिलते हैं, और इन सभी साइज़ को आप मिडिल क्लास के लिए एक परफेक्ट साइज़ भी कह सकते हैं। मगर मिडिल क्लास के हिसाब से साइज होने के बावजूद भी अधिकतर प्लॉट्स पर हमें कंप्लीशन ही दिखाई देता है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं जो लोग यहां अथॉरिटी के कंप्लीशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं जानते, तो कंप्लीशन में सबसे पहले आपके प्लॉट का 50% ग्राउंड कवरेज होना जरूरी है, और जिसमें बाथरूम्स और किचन फंक्शनल होना जरूरी है, और साथ ही साथ प्लम्बिंग का काम भी प्रॉपरली होना चाहिए। इसके अलावा प्लॉट की बाउंड्री वॉल बनाना भी जरूरी है और साथ ही साथ वो लॉकेबल भी होना जरूरी है, तभी आपका कंप्लीशन पूरा माना जाएगा, अन्यथा नहीं। कंप्लीशन में इलेक्ट्रिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, मगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवा सकते हैं। सेक्टर ज़्यादा बसा ना होने के कारण अभी यहाँ अथॉरिटी के पार्क भी आपको अच्छी हालत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अथॉरिटी भी किसी लोकेशन पर तभी डेवलपमेंट करती है जब उसे उस लोकेशन पर पॉपुलेशन नज़र आती है। इतने सारे अपार्टमेंट्स होने के चलते नोएडा एक्सटेंशन एक हाई रिस्क जोन में आता है, इसलिए अधिकतर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स आपको यहाँ घर लेने की सलाह नहीं देते। मगर फिर भी अफोर्डेबल हाउसिंग होने के चलते नोएडा एक्सटेंशन तो मिडिल क्लास के लिए एक पसंदीदा जगह है, मगर ये प्लॉट्स महंगे होने के चलते हर किसी की पॉकेट को अलाउ नहीं करते। अगर बात करें इन प्लॉट्स के लोकेशन की तो सेक्टर 3 के बी, सी और डी ब्लॉक के ये प्लॉट्स नोएडा के सेक्टर 62 से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। गाजियाबाद से इस सेक्टर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और किसान चौक से ये सेक्टर लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है, मगर यहाँ पर कोई लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना होने के चलते आपको यहाँ आने जाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेट्रो का सपना तो अभी लंबा है और साथ ही साथ महंगा भी, जो एक आम आदमी की जेब को सूट नहीं करता। अगर बात करें यहाँ के सर्कल रेट की तो यहाँ का सर्कल रेट 26,000 रुपये मीटर है, मगर मार्केट में आपको ये प्लॉट 45,000 से 50,000 रुपये मीटर के हिसाब से बिकते नज़र आएंगे, जिससे इस सेक्टर को बसने में और भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि प्लॉट को मार्केट प्राइस में खरीदने के अलावा आपको यहाँ 12% तक ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री का खर्चा भी देना पड़ता है, जिसके चलते बायर पर इसका और भी बोझ आ जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र चार्जेस तो बायर को ही देने पड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ प्रॉपर्टी का बढ़ा हुआ एक डमी प्राइस देखा, जिसमें प्रॉपर्टी बिक तो नहीं रही है मगर मार्केट में बैठे फाइनेंसर्स आपको बढ़े हुए दामों में प्रॉपर्टी कोट कर रहे हैं।
और प्रॉपर्टी सेलर से मीटिंग भी नहीं करवा रहे हैं। इसलिए ऐसे बढ़े हुए दामों में मैं आपसे अपील करूंगा कि धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य वो कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा ही मीठे आते हैं। और यदि आप ऐसे बढ़े हुए प्रॉपर्टी मार्केट में प्लॉट खरीदते हैं तो न तो वो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी, बल्कि आपके लिए एक फाइनेंशियली बोझ भी साबित होगी, क्योंकि जिस रेट में आप लोन चुकाते हैं उस रेट में प्रॉपर्टी तो नहीं बढ़ रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपके कुछ सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जय हिंद।